तो हेलो ऑफिशियल्स, क्या हाल चाल। तो यार, आपने फ्री फायर में काफी प्रकार की प्रॉब्लम देखी होंगी। हाँ। लेकिन फ्री फायर के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वही भली रिकॉइल प्रॉब्लम। अच्छा। एंड ये रिकॉइल प्रॉब्लम तभी होती है तब आपकी डिवाइस में एक्यूरेसी कम होती है। अच्छा। तो यार, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले कि आप अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे बल्कि आप अपनी एक्यूरेसी वालों काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आप कोई मुझे ये मत पूछना कि भाई एक्यूरेसी क्या होती है। ए भाई, बता ना, बता भाई, भाई भाई मेरा भाई, बता ना भाई, बता ना मेरा, बता बता। तो यार, जैसे कि भाई लोग इस क्लिप में देख सकते हो, मैं फायर करो तो मेरी जो गोली देखो पूरी रिकॉल हो रही है। तो इसको रिकॉल करते हैं, जैसे कि मेरी जो एक भी गोली मतलब बॉडी पे कनेक्ट नहीं हो रही है, मतलब पूरी पूरी रिकॉल हो रही थी। और जैसे कि इस क्लिप में देख सकते हो, मेरी जो सभी के सभी गोलियां मतलब बंदे पे कनेक्ट हो रही है, मतलब मेरी एक भी गोली है ना मतलब आजू बाजू फैल नहीं रही है। तो इसलिए भाई लोग इसे एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, समझ गया गाइस। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी पूरी समझ में आ चुकी है। तो एक्यूरेसी किसे बोलते हैं तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो यार लोग, तब तक हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हमारे जो फर्स्ट नंबर की टिप होने वाली है वो होने वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। हाँ, आपको जैसे कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ते हैं जिससे पहले आपकी जो एक्यूरेसी पहले काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सभी के सभी जो जो मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा ना, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने से आपकी जो एक्यूरेसी पहले काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाले, तो इसका एक बार जरूर ट्राई करना। गाइस, तो हमारा सबसे पहले जो कैरेक्टर है ना वो पहले डीबी कैरेक्टर। हाँ, ये जो कैरेक्टर पहले काफी ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर है जिससे पहले आपकी जो एक्यूरेसी है ना पहले ये 40% इंक्रीज कर देंगे। गाइस, तो अगर आपकी जो गोली काफी ज्यादा रिकॉल होते हैं तो पहले ये वाला कैरेक्टर एक बार जरूर ट्राई करना। ये जो कैरेक्टर है ना आपकी जो एक्यूरेसी पहले काफी ज्यादा बढ़ा देता है, आपका जो रिकॉल है ना वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। गाइस, तो हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है ना वो भाई लोग का दशा कैरेक्टर। हाँ, आपको दशा कैरेक्टर यूज करना है। जो दशा कैरेक्टर क्या करती है, आपके बारे की जो रिकॉल है ना भाई लोग वो भाई लोग 10-20% तक भाई लोग डिक्रीज कर देती है। जो भाई लोग आपकी जो गन है ना काफी ज्यादा पहले रिकॉल करते थे ना, ये जो कैरेक्टर है ना उसको काफी ज्यादा कम करने वाला। तो भाई लोग दशा कैरेक्टर एक बार जरूर ट्राई करना। यहाँ पर जो काफी बंदो क्या होता है उनके भाई स्कोप में भी भाई लोग काफी ज्यादा कम एक्यूरेसी है। मतलब वो जो अपना स्कोप बंद करके मारते हैं ना तो उनके भाई लोग स्कोप में इतनी एक्यूरेसी उनको नहीं मिलती है। मतलब उनके भाई लोग स्कोप के अंदर उनकी जो गोली काफी रिकॉल होती है। अगर आप भी अपने स्कोप की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो ना, आपको क्या करना, ये वाला भाई लोग कैरेक्टर यूज करना है जिसका नाम है भाई लोग लौरा कैरेक्टर। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है भाई लोग आपको जो क्या करते हैं, ये वाला आपकी जो एक्यूरेसी भाई लोग इन स्कोप है ना 40% इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, यहां पर मैंने आपको जो जो कैरेक्टर बताया ना, ये जो कैरेक्टर अगर आप यूज करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी भाई लोग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइस, तो इस वाले भाई लोग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एक बार जरूर ट्राई करना, जो भाई लोग आपको एक्यूरेसी बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है इसमें। तो गाइस, मैं अगर आपको बोलूं भाई लोग, ये जो एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए आपको भाई लोग सेंसिटिविटी भी काफी ज्यादा मायने रखती है। हां भाई लोग, अगर आपको जो अपने एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो आपको भाई लोग अपने जो बेस्ट सेंसिटिविटी अप्लाई करनी पड़ती है अपने डिवाइस के हिसाब से, क्योंकि भले हर डिवाइस में भले अलग अलग सेंसिटिविटी मैच करती है। कोई भी भले एक सेंसिटिविटी भले एक डिवाइस में मैच नहीं करती है, हर डिवाइस के लिए भले अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है भाई लोग, तो आपको भले ये वाली सेंसिटिविटी अप्लाई करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोअर डिवाइस में खेलते हो तो स्क्रीन में आपको भले ये वाली सेंसिटिविटी शो रही होगी, तो आपको भले ये वाली सेंसिटिविटी अप्लाई करनी है अपने डिवाइस में, जिससे क्या होगा, अगर आप भले लोअर डिवाइस में खेलते हो तो इससे भले आपको जो एक्यूरेसी भले काफी ज्यादा इसे इंक्रीज हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं, अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो आपको कितना भले सेंसिटिविटी रखना। तो अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो हाई एंड डिवाइस के लिए भले यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, तो आपको बल्कि 7-7 ये वाली बल्कि सेंसिटिविटी अप्लाई करनी है, जिसमें अगर आपकी जो एक्यूरेसी है ना सेंसिटिविटी में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस, यहां पर मैंने आपको जो जो सेंसिटिविटी बताई ना भाई, ये जो सेंसिटिविटी आपको अप्लाई करनी है, अगर आप ये वाली सेंसिटिविटी अप्लाई करके खेलोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी वाले अगर काफी ज्यादा बढ़िया इंक्रीज हो जाएंगे। चलो गाइस, अब बात करते हैं आपको भले गेम के बाहर कौन सी सेटिंग करनी है। हाँ भले, आपको गेम के बाहर भी कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है जिससे बल्कि आपकी जो एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो गाइस, यहां पर आपको सबसे पहले सेटिंग करनी है वो करनी है आपको पॉइंटर स्पीड में। आप सर्च आपने सर्च कर सकते हो, यहां पर आपको सर्च करोगे तो यहां पर आपको पॉइंटर स्पीड आ जाएंगे, जिसके देख सकते हो मेरे को पॉइंटर स्पीड यहां पे मिल चुके हैं। यहाँ पर आपको एक नीचे लाइन आएंगे, तो आपको क्या करना है, ये लाइन आपको बीच में आएंगी, तो इस लाइन को आपको क्या करना है, आपको बोलेगा मैंने जितना यहाँ पे रखा है ना उतना आपको रखना, आपको पूरा हाई नहीं करना है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कम करके रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना रखा है। गाइस, तो हमारे जो नेक्स्ट सेटिंग है वो बोलेगा टॉल बैक में। आपको क्या करना है, टॉल बैक सर्च करना है, उसका आपको उसके अंदर जाना है। फिर अंदर जाने के बाद यहाँ पर बोलोगे मैं आपको निकल टॉल बैक का जो सेटिंग बताऊंगा, आपको क्या करना है, ये वाला बोलोगे जैसे देखो तो टेक्स टू पीस सेटिंग, इसको क्या करना है, इसको आपको दोनों को बोलोगे पूरा हाई कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हाई कर रहा हूँ ना, इन दोनों को बोलोगे पूरा हाई कर देना है। ये सेटिंग बोलोगे आपको जरूर अप्लाई करनी होगी, ये जो सेटिंग है ना काफी काम की सेटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने भाई लोग आपको सेटिंग वगैरह सब कुछ बता दिया, अगर आप लोग ये वाली सेटिंग को अप्लाई करते हो तो भाई लोग आपकी जो एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड गाइस, आपको मैं और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे भले आपकी जो एक्यूरेसी भाई लोग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और आपके जो ओनली रेड नंबर के शॉट लगने वाले। इस ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, इस ट्रिक के लिए आपको जॉय स्टिक का इस्तेमाल करना है। आपको जॉय स्टिक ऐसा खींचना है और जिस जगह आपका जो एनिमी दौड़ रहा है ना उस जगह आपको ड्रैग करना है, जैसे कि देखो मेरा एनिमी इस जगह दौड़ रहा है तो मैंने वहां पर जॉय स्टिक खींची और वैसे ही ड्रैग किया, तो देखो मेरा भाई लोग कितना इजीली ना रेड नंबर का शॉट लग चुका है। अगर आप ये वाली भाई लोग ट्रिक को अप्लाई करते हो तो भाई लोग इससे भाई
और आपके जो रिकॉल है काफी ज्यादा कम होने वाला है, साथ ही साथ आपके जो रेड नंबर के शॉट है वो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाले। और काफी बंदे क्या करते हैं वो काफी ज्यादा ड्रैग करते हैं, जैसे आपको होता है काफी बंदे इतना ड्रैग करते हैं ना, मतलब जिस कारण से क्या होता है उनकी जो गोली है ना काफी ज्यादा रिकॉल होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी यार 5-6 या 10 गोली फायर करने के बाद आपको थोड़ा सा मतलब आपको उनका रिलोड करना है, नहीं तो आपकी जो लोकेशन चेंज करनी है आपको ऐसा करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मतलब एक ही जगह फायर करते रहोगे ना तो आपकी जो गोली है ना काफी ज्यादा रिकॉल करने लगेंगे। और देखो यहाँ पर जो काफी बंदे एक मिस्टेक करते वो क्या करते हैं, अपने जो बेस्ट गन स्किन यूज नहीं करते। हाँ मुझे पता है काफी जो बंदे ना एकदम गलत वाली गन स्किन यूज करते हैं, जिस कारण क्या होता है उनकी जो एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम हो जाती है, उनकी जो गोली काफी ज्यादा रिकॉल करने लगती है। कभी आपको ऐसे एक्यूरेसी वाली गन यूज करनी है जिससे अगर आपकी जो रेट ऑफ फायर भी ज्यादा हो और एक्यूरेसी भी ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे गन के अगर आप यूज करोगे तो आपके जो रेड नंबर के हेडशॉट भी लगने वाले हैं और आपकी जो गोली है काफी ज्यादा कम रिकॉल होने वाली है। तो गाइस अगर आपके पास मतलब रेट ऑफ फायर प्लस एक्यूरेसी वाली गन स्किन है ना भाई लोग, आपको वही वाली गन स्किन कभी भी यूज करनी है, क्योंकि वो गन स्किन है आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है रिकॉल कम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जो जो टिप्स बताया ना, अगर आप लोग वो टिप्स फॉलो करते हैं तो भाई अगर आपका जो रिकॉल है काफी ज्यादा कम हो जाएगा, आपकी जो एक्यूरेसी भाई काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगाऊंगा, बढ़िया लगा तो फिर वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को ना सब्सक्राइब, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।